देखिए स्ट्रेंजर कंपनी का है DA20, ये हमारा ओरिजिनल है। देखिए यहाँ पे कलकत्ता इंडियन लिखा हुआ है, ये हमारा ओरिजिनल है। ओरिजिनल में देखिए आपका सीरियल नंबर दिखाई देता होगा। इसमें ये जो कैटलॉग रहता है, ये कुछ प्राइस लिखा रहता है, इसका वेट है कितना, वजन है, और इसमें डेट लिखा गया है, कलकत्ता का एड्रेस है, कलकत्ता 7006 इंडियन लिखा हुआ है, ये हमारा ओरिजिनल है। और इसका टेप भी देख सकते हैं, स्टेंजर का ही ब्रांड है, और इसका दूसरी साइड भी स्टेंजर का ही ब्रांड है। चलिए इसको हम पहले खोल लेते हैं। देखिए हम इसको खोल चुके हैं, कार्टून से बाहर निकाल चुके हैं, तो चलिए इसका हम प्लास्टिक भी निकाल लेते हैं। इसका प्लास्टिक भी बहुत मजबूत है। सबसे पहले ये हमारा स्टेंजर के नाम से ही कुछ कैटलो बना रहता है, कैसे इसको चलाना है, और ओरिजिनल में ध्यान रखें, ओरिजिनल में आपको फ्यूज एगो देना है, ये कंपनी देता ही है। इसमें सारा फंक्शन लिखा गया है कैसे क्या करना है। उसके बाद में ये हमारा काफ़ी ज़्यादा वज़न है, ये हमारा वज़न बहुत ज़्यादा है, और इसका आगे सब देख सकते हैं। ये इसका जो वॉल्यूम है वो आपको गियर में है, जैसे कि आप कोई बहुत, तो यहाँ पे स्टेंजर का लोगो बना हुआ है, DA20 ऑन ऑफ का है यहाँ पे, और ये ऑन का ये लाइट है। चलिए इसके पीछे की बात करते हैं, इसका पीछे की बात करते हैं। कंपनी कुछ बार चेंजिंग हुआ है, तो इसका फ्यूज आप देख सकते हैं, ये हमारा फ्यूज है AC 220 वोल्ट, और ये हमारा इसका जो आउट करेगा वो हमारा 1 2 3 4 5 10 और 10, यानी कि 20। और यहाँ पे पहले हमारा जो आता था ये DA20, पहले यहाँ पे गैप नहीं था, अभी क्या है ना गैप ज़्यादा है, और यहाँ पे पुट जो होता है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कुछ यहाँ भी लिखा गया है, और ये भी आपका ओरिजिनल का, यहाँ भी सीरियल है आपका, ये हमारा ओरिजिनल का सीरियल है। और एक बात और ध्यान रखें, ओरिजिनल में आपको हम लास्ट वीडियो में बताते हैं क्या ओरिजिनल का पहचान रहता है। ये वायर भी बहुत हैवी है, ये भी कुछ अच्छा कंपनी है। चलिए जो बात कर रहे थे ओरिजिनल का पहचान, ओरिजिनल का पहचान हमारा स्टेंजर का स्क्रूप होता है, ओरिजिनल का पहचान हमारा स्क्रूप होता है, और ये जो हमारा सीरियल नंबर जो रहता है, ये तो नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन हमारा स्क्रूप जो है ना, इसका स्क्रूप आपको अगले वीडियो में हम दिखा देंगे कैसे रहता है, हमारे पास तो अभी पेचकस नहीं जो दिखा पाएंगे। सबसे पहले इसका स्क्रूप ओरिजिनल का एगो दिखा देंगे, इसका स्क्रूप काफ़ी इसका अच्छा रहता है। तो और चालू कंपनी में क्या होता है, स्क्रूप जो होता है ना, उसका कटिंग ऐसे तो हम नहीं समझा पाएंगे, ऐसे तो हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे कैसे क्या करना है। और कॉपी माल भी हमारे पास आया था, कॉपी माल हमारे पास आया था, उसमें क्या था, ये यहाँ पे पीछे जो बात करते हैं, ये हमारा वायर भी सही नहीं था, और यहाँ पे मेरा पहले वाला जो माल था तो वो पूरा मतलब यहाँ भी था, ये इतना दूर जो अभी गैप बनाया गया है ये दूर में नहीं था, इसी तरह था यहाँ पूरा लाइनिंग में, और इसका वज़न काफ़ी ज़्यादा है, वज़न बहुत ज़्यादा है, ये हमारा प्योर ओरिजिनल है। ध्यान रखें कि ये वाला जो है फ्यूज ओरिजिनल में ही रहता है, कॉपी माल जो रहता है उसमें फ्यूज नहीं रहता है, और इसमें भी आपको ओरिजिनल का पहचान यहाँ पे दिखेगा, सीरियल नंबर सेम रहना चाहिए, ये जो है सीरियल नंबर सेम रहना चाहिए, जो हमारा इधर पीछे की साइड में आपको दिखाए थे, ये वाला सीरियल पीछे की साइड में जरूर रहना चाहिए, दोनों सेम, ये हमारा सीरियल कोड एक सेम है। और इसका एक और है
जब भी इस रेडियम को आप ऐसे गौर करके देखिएगा तो हमारा स्टेंजर का लोगो रहेगा। इसको पूछना है कि कब का है ये ड्यूएटी कब का है, तो इसमें डेट लिखा रहता है जो हम आपको डेट बताए थे अभी यहीं पे कार्टून में लिखा रहता है, तो देख सकते हैं कार्टून में लिखा है यहाँ पे जुलाई 22, मतलब जुलाई। ये हमारा नया प्रोडक्ट्स जो आया है और पहले वाला पुराना है, तो इसमें कौन सा लोगो है ये भी चेक करना होता है तो ओरिजिनल साबित होता है। ऐसा नहीं कि सीरियल नंबर सारे ये सीरियल नंबर यहाँ भी मार दिए और यहाँ भी मार दिए तो ओरिजिनल होगा, वैसे ओरिजिनल नहीं होता है। अगर इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो के लिए अगर ओरिजिनल देखना चाहते हैं कि स्क्रू कैसा रहता है तो हमारे वीडियो पर बने रहें, जल्दी ही वीडियो ला दूँगा।